ये क्रॉस वोटिंग होनी है तो ये टीवी पे तो चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को भय व्याप्त है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया कि हमारे सांसद हमारे विधायक लोग तैयार हैं एकदम। दिल्ली से लेके लखनऊ तक हलचल तेज है, समाजवादी पार्टी में छेद है भाई। अब उनकी पार्टी है, उन अपने विधायकों को खिला पिला रहे हैं, हम लोगों की पार्टी है, हम लोग अपने विधायकों को खिला पिला रहे हैं, क्या दिक्कत है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि लखनऊ में माहौल तेज है और समाजवादी पार्टी में छेद है। ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने अखिलेश यादव के विधायकों को सेट कर रखा है और संजय सेठ के लिए विधायक भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जी हां, राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 8 उम्मीदवार उतारे हैं तो समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और कुल 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। ऐसे में 10वें प्रत्याशी को लेकर जोड़ तोड़ तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को खाने पर बुला लिया है। बीजेपी के साथ एनडीए के तमाम सहयोगी भी पहुंचे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अपना दल हो या जयंत चौधरी के पार्टी के विधायक हो। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर मीटिंग में जाने से पहले ये दावा कर गए कि समाजवादी पार्टी के अंदर छेद है। हम 5 विधायक, हमारे 6 को विधायक हैं, 1 जेल में है, 5 को हम लोग सामने हैं और हमारे प्रत्याशी हम लोगों को बताया गया कि संजय सेठ हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों को उन्हीं वोट देना है। दिल्ली से लेके लखनऊ तक हलचल तेज है, समाजवादी पार्टी में छेद है। सुबह जो वार्ता का दौर था राजा भैया से, वो भी काफी सुखद रहा क्योंकि वो भी हमने क्या कहा था। हम गए थे, टी पार्टी थी, चाय वो पिए, हालचाल हुआ, बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपसे पहले भी बात हुई थी, आज भी बात है, जहां आप था हम आए थे, यहाँ आए होंगे। यानी कि जो संख्या बल पे सवाल खड़े हो रहे थे अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका। कुछ है नहीं महाराज, बम्पर रोड से संजय सेठ जीतने जा रहे हैं। सिर्फ संजय सेठ की 8? अरे हम लोग जगह ठीका चले वो करके। तो सर एक और सवाल है ये, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे सीएम ने डिप्लोमेटिक डिनर पे बुलाया, वहीं पे समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक डिनर रखा है, अखिलेश यादव उसमें मौजूद रहेंगे, तो क्या लगता है कि डिनर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है उत्तर प्रदेश में? अरे भाई, अब उनकी पार्टी है, उन अपने विधायकों को खिला पिला रहे हैं, हम लोगों की पार्टी है, हम लोग अपने विधायकों को खिला पिला रहे हैं, क्या दिक्कत है? वोटिंग तो नहीं हो जाएगी, ये क्रॉस वोटिंग होनी है तो ये टीवी पे तो चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को भय व्याप्त है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया कि हमारे सांसद हमारे विधायक लोग तैयार हैं एकदम। तो कुछ उनके विधायक जा रहे हैं आपके साथ? बहुत लोग आ रहे हैं, काउंटिंग होगी तो देखिएगा। बीएसपी किसके साथ जा रही है? हम लोगों के साथ। उमाशंकर का वोट आपके साथ है? तब कहां जाएगा। वहीं अखिलेश यादव अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई है और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव वो जीत लेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी अपने 3 उम्मीदवारों को जिता लेती है या बीजेपी सपा को झटका दे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।